सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी प्लेटफॉर्म. सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अन अकेडमी में जो है प्लस क्लासेस लेती हूँ. सो अभी जो है मेरे 4 प्लस कोर्सेज ऑन गोइंग जो है चल रहे हैं अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे. सो इनका एक्सेस जो है आप ले सकते हो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेके. एंड जब भी आप लोग प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लो देन प्लीज़ मेरा रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलना, जो कि है soumyasingh-5273, जिससे आप 10% का डिस्काउंट जो है वो ईजिली अवेल कर सकते हो. ठीक है, सो बस ऐप में जाओ, लाइक कैटेगरी में जो है आप NTA-UGC नेट कैटेगरी, उस पर आप क्लिक करो एंड जहाँ पे भी आपको दिख रहा है गेट सब्सक्रिप्शन, आप पूरा सब्सक्रिप्शन ले लो. ठीक है, एंड जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको पूरी कैटेगरी का जो है एक्सेस मिलता है. ओके, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरी क्लासेस देख सकते हो, आप NTA-UGC नेट से रिलेटेड हर एक एजुकेटर की क्लास जो है वो देख सकते हो. ठीक है, सो गाइस आज हम लोग जो है ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, जैसे कि लाइक ऑलरेडी हमारे 2 सेशंस हो चुके हैं ब्लड रिलेशन के ऊपर, सो आज हमारा 3रा सेशन है. ओके, सो हम लोग सेशन से स्टार्ट करेंगे. आई होप कि जो पुराने हम लोग ने सेशंस करे थे वो एकदम आपको क्लियर होंगे, उनमें कोई डाउट नहीं होगा. गाइस स्टिल अगर कोई डाउट है देन प्लीज़ उसको आप ज़रूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में. ठीक है, आप जैसे ही कमेंट करोगे मुझे तक तुरंत लाइक का कन्वे हो जाएगी वो चीज़. ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें. राइट, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस वीडियो. पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, वुमेन सेड, तो एक आदमी की फोटोग्राफ की तरफ देखकर वुमेन क्या बोल रही है. ये फोटो है, ठीक है, एक मैन की, एंड वुमेन क्या बोल रही है. हिज ब्रदर्स फादर, इसका जो ब्रदर है, ठीक है, इस मैन का जो ब्रदर है, इसका जो फादर है, ठीक है, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर. ठीक है, जिसके ग्रैंड फादर है वो उसके एक लौते सन है. ठीक है, राइट, तो कहीं ना कहीं ये अपने ही फादर की तो बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ब्रदर है, ये जो मैन है, इनका भी ग्रैंड फादर वही है. एंड ये जो वुमेन है, ये जिनके बारे में बात कर रही है, उनका भी ग्रैंड फादर यही है. ठीक है, सो हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन अ फोटोग्राफ, तो वुमेन का रिलेशन क्या है उस मैन से जो कि फोटो में है. गाइस वुमेन भी जो है ना वो उन्हीं की बहन है. ठीक है, तो बेसिकली ये तीनों जो है ये तीनों भाई बहन है. ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज सिस्टर. राइट, चलो नेक्स्ट देखते. पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन, कैलाश सेड, एक बूढ़े आदमी की तरफ देख के कैलाश ने क्या बोला. हिज सन इज माय सन्स अंकल, ठीक है, एक ओल्ड मैन है, उसकी तरफ कैलाश ने देख के क्या बोला. हिज सन, इसका जो बेटा है, इज माय सन्स अंकल. ठीक है, जो कैलाश का सन है, ओके, जो कैलाश का सन है, ठीक है, कैलाश का जो सन है उसके सन का ये आदमी क्या है, अंकल है. राइट, यही तो बोले, तो कहीं ना कहीं ये दोनों भाई भाई होंगे. राइट, तभी तो वो उसका अंकल होगा, वरना अंकल कैसे हो सकता है. राइट, कैलाश ने क्या बोला ओल्ड मैन की तरफ देखे. हिज सन इज माय सन्स अंकल, मतलब वो अपने भाई की ही बात कर रहे हैं. नाउ हाउ इज द ओल्ड मैन रिलेटेड टू कैलाश, इस ओल्ड मैन का क्या रिलेशनशिप है कैलाश से. इस आदमी का ये फादर है, तो ऑफ कोर्स कैलाश का भी ये फादर होगा, क्योंकि वो दोनों भाई बहन है. ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा फादर आएगा. हाउ इज द ओल्ड मैन रिलेटेड टू कैलाश, ही इज हिज फादर. ठीक है, देखा कितने इजी क्वेश्चन होते हैं. राइट, लेकिन ये विद प्रैक्टिस जो है आपको अच्छे से आ जाएंगे. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. Pointing to a man on the stage, Rita said, एक आदमी है स्टेज पे. ठीक है, ये वो आदमी है, इसकी तरफ देखिए क्या बोल रहा है. He is the brother of the daughter of the wife of my husband. अच्छा चलो यहाँ से देखते हैं. Wife of my husband मतलब मेरे husband की wife, मतलब मैं खुद की बात कर रही हूँ ना, मतलब यहाँ पे Rita जो है वो खुद की बात कर रही है. ठीक है, then daughter of the Rita is, वो अपनी daughter के बारे में बात कर रही है of course. Then he is the brother of the daughter. मतलब मेरी बेटी का जो है भाई, मतलब वो मेरा बेटा हुआ, मतलब वो अपने सन की बात कर रही है. राइट, है ना, तो जो स्टेज में मैन है वो उसका सन है. सो हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीटा, वो उसका बेटा है. कितना ईजी है ना पीछे से भी सॉल्व करना. राइट, मैं हमेशा 2 तरीके आपको बताती हूँ, एक आप पीछे से सॉल्व कर लीजिए, एक आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. राइट, क्वेश्चन को देखो जिसमें भी आप तुरंत कंफर्टेबल फील कर रहे हो, आप वो मेथड अडॉप्ट कर लो. ठीक है, ओके,
चलो नेक्स्ट देखते शोइंग द मैन रिसीविंग द प्राइज दिस इज प्राइज सरोज सेड तो जिस मैन को प्राइज मिल रहा है वो ये है ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर ठीक है ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर ये उसके डॉटर है किसकी अंकल की ठीक है ना ये अंकल की डॉटर है ही इज द ब्रदर ठीक है ये ब्रदर है ऑफ द डॉटर ऑफ माई अंकल ठीक है सो हु इज द मैन टू सरोज ठीक है सो वो आदमी सरोज का क्या है ओके सरोज का क्या है ये जो है हाँ ये सरोज की बेटी है राइट तो ये सरोज का क्या हुआ ऑफ माई डॉटर्स अंकल मतलब ये सरोज का बेटा हुआ राइट है ना माई अंकल्स डॉटर इसका मतलब क्या हुआ मेरी अंकल की डॉटर सॉरी माय अंकल्स डॉटर मतलब हम अपने कजिन की बात कर रहे हैं राइट ही इज द ब्रदर ऑफ द कजिन मतलब हम लोग एक और कजिन की बात कर रहे हैं सॉरी ये अंकल है मतलब ये सगे भाई बहन नहीं है ये आपस में कजिन्स है ठीक है दीज आर नॉट रियल ब्रदर एंड सिस्टर दीज आर कजिन्स सो जिस भी आदमी को सरोज दिखा रही है स्टेज में वो उसका कजिन हुआ ठीक है रियल ब्रदर नहीं सॉरी सो सॉरी ठीक है ये अंकल की डॉटर है मतलब ये इसके कजिन है चलो नेक्स्ट देखते पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमेन सेड एक मैन की तरफ वुमेन ने देख के बोला चलो पीछे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ओनली डॉटर ऑफ माई मदर मतलब ये वुमेन जो है अपनी खुद की बात कर रही है राइट क्योंकि वुमेन क्या है वुमेन भी एक लेडी है एंड यहाँ पे ओनली डॉटर मेरी मम्मी की इकलौती बेटी मतलब मैं खुद की बात कर रही हूँ ठीक है सो हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर हिज मदर ठीक है पॉइंटिंग टू अ मैन मैन की तरफ देख के वो क्या बोल रही है कि जो इसकी माँ है वो खुद है ठीक है मतलब वो अपने बेटे की ही बात कर रही है ठीक है सो हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू अ मैन ऑफकोर्स वो उसकी मदर है राइट है ना एक मैन की तरफ क्या देख के बोल रहा है या फिर ऐसे भी कर सकते हो एक मैन की तरफ देख के क्या बोल रहे हैं हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर एक मिनट हिज मदर ये मैन की जो मदर है वो इकलौती बेटी है ऑफ माई मदर अच्छा हाँ वो दोनों ठीक है माँ बेटी चलो नेक्स्ट देखें राइट आई होप कि अभी तक जो मैं करा रही हूँ वो क्लियर है आप लोगों को नेक्स्ट देखते हैं पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ पर्सन टेल्स हिज फ्रेंड शी इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर चलो देखते हैं एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर मतलब हम लोग अपने ताऊ जी की बात कर रहे हैं डॉटर ऑफ ताऊ जी मतलब हम लोग अपने कजन की बात कर रहे हैं शी इज द ग्रैंड डॉटर सॉरी सॉरी शी इज द ग्रैंड डॉटर ग्रैंड डॉटर मतलब हम लोग अपनी नीस की बात कर रहे हैं ठीक है राइट नाउ पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ पर्सन टेल्स टू हिज फ्रेंड ठीक है हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू दिस मैन वो उसकी नीस है ठीक है मेरे ताऊ जी की ग्रैंड डॉटर ठीक है मतलब मेरे ताऊ जी के जो बच्चे हैं वो मेरे कजन हुए उनके बच्चे मेरे नीस एंड नेफी हुए राइट सो गाइस आई होप कि हम लोग ने इस लाइक सेशन में जितने भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस करे हैं वो सब आपको क्लियर होंगे स्टिल अगर किसी में भी कोई भी डाउट है देन प्लीज डू लेट मी नो थैंक यू सो मच